वेलकम टू एक्सप्लोर नाउ। हमारी आज की वीडियो खास तौर से गिरिडीह वासियों के लिए है। जाड़ा शुरू हो गया है, जाड़े की छुट्टियां आने वाली हैं, क्रिसमस के वेकेशंस होंगे, फिर नए साल की तैयारी और उसके बाद मकर संक्रांति। मतलब पूरा फुल महीना है जब आप किसी न किसी बहाने पिकनिक पर जा सकते हैं, छुट्टियां मनाने जा सकते हैं। आमतौर से गिरिडीह में रहने वाले लोग सोचते हैं कि घूमने के लिए हमारे पास जगह ही नहीं है, उसरी, पारसनाथ और खंडौली के बाद बचता ही क्या है। हम आज की वीडियो में आपको एक या दो नहीं पूरे 10 ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में बताएंगे जो गिरिडीह शहर के बिल्कुल आसपास है और गिरिडीह के लोग यहाँ सुबह घूमने के लिए जाएं तो शाम अंधेरा होने तक अपने घर वापस भी आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी लिस्ट। अब चूंकि उसरी बहुत कॉमन है और सभी लोग इसके बारे में जानते हैं तो शुरुआत हम भी उसरी से ही करेंगे। उसरी एक नदी है जो गिरिडीह से होकर बहती है। यह मुख्य शहर से 13 किलोमीटर की दूरी पर है और टुंडी ब्लॉक में पड़ता है। यहाँ उसरी नदी एक बहुत खूबसूरत वाटरफॉल यानी जलप्रपात बनाती है। यह जलप्रपात या झरना 39 फुट की ऊंचाई से गिरता है जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। विशाल जलराशि दूध के समान सफ़ेद दिखती है क्योंकि पानी सच में यहाँ बहुत साफ है। आमतौर से ये तीन धाराओं में दिखता है लेकिन बरसात के दिन में जब पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो ये 7 अलग अलग धाराओं में फूट कर नीचे गिरता है और इसीलिए बहुत लोग इसे सप्तधारा के भी नाम से जानते हैं। यहाँ आसपास का दृश्य बहुत ही मनोरम है। अच्छे खासे घने जंगल हैं, पिकनिक मनाने के लिए परफेक्ट जगह है। आसपास के जिले से ही नहीं दूसरे राज्यों से भी उड़ीसा बंगाल के लोग भी यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं। आपको बहुत सारे लोग ग्रुप में कुकिंग करते हुए भी दिख जाएंगे। आप अगर पूरी फैमिली के साथ जाना चाहते हैं या ऑफिस के सारे कलीग्स मिलकर जाना चाहते हैं तो बेहतर होगा एक गाड़ी बुक करें, सारे लोग मिलकर जाएं और दिन भर पिकनिक मनाकर शाम होने से पहले वापस चले आएं। वैसे गिरिडीह शहर जिस खास चीज के लिए अपनी पहचान विश्व मानचित्र पर रखता है वह है पार्श्वनाथ की पहाड़ियाँ। इसकी विशेषता हम आपको बता देते हैं। पार्श्वनाथ पहाड़ी 1350 मीटर ऊंचा है और ये जैन लोगों का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र धर्म स्थल है, तीर्थ स्थल है। यहाँ दुनिया भर से जैन धर्म को मानने वाले लोग साल के 12 महीने आते रहते हैं। यहाँ बहुत सारे खूबसूरत भव्य मंदिर बने हुए हैं। पर ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ जैन धर्म को मानने वाले ही आ सकते हैं। आप किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय से संबंध रखते हों, आप यहाँ पिकनिक मनाने को तो आ ही सकते हैं। NH 114A के द्वारा आप यहाँ पहुँच सकते हैं। यह गिरिडीह मुख्य शहर से मात्र 38 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ इस जगह को मधुबन कहा जाता है जहाँ बहुत सारे खूबसूरत जैन टेम्पल बने हुए हैं। अगर आपकी सेहत अच्छी है, आपने अपने साथ कोई लगेज नहीं रखा है और साथ चलने वाले अच्छे साथी हैं तो आप इस पर्वत की चोटी पर भी चढ़ सकते हैं। समेद जी शिखर यहाँ का सबसे ऊंचा शिखर है लेकिन पहाड़ी के शिखर तक पहुँचने के लिए आपको 2 से 3 घंटे लगातार चढ़ाई चढ़नी होगी और लगभग इतना ही समय वापस उतरने में भी लगेगा। हाँ, ये सफ़र बड़ा खूबसूरत होगा, इस बात की गारंटी आपको हम देते हैं क्योंकि इतने खूबसूरत जंगल, पेड़ पौधे की विविध प्रजातियाँ आपको यहाँ देखने को मिलेंगी जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी या हमारे शहरी जीवन में तो हमें देखने को नहीं मिलता है। रास्ते में बहुत सारे मुसाफिर मिलेंगे जो आपका जोश बढ़ाएंगे, हौसला बढ़ाएंगे। आप कई खूबसूरत मंदिरों में थोड़ी देर रुक कर सुस्ता भी सकते हैं। खाने पीने की छोटी छोटी चीज़ें आपको रास्ते में मिल जाएंगी। जिस यहाँ जैन म्यूज़ियम भी है जो गिरिडीह जिला मुख्यालय से मात्र 29 किलोमीटर दूर है, जहाँ आपको कई तरह की जैन कलाकृतियाँ, स्कल्पचर्स देखने को मिल जाएंगे। अब चलते हैं खंडौली। खंडौली गिरिडीह जिला मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है और बेंगाबाद के से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यह पड़ता है। खंडौली दरअसल एक डैम या बांध है जो नदी पर बनाया गया है और इसी से पूरे गिरिडीह शहर को पीने के पानी की आपूर्ति भी की जाती है। इस डैम के आसपास के लगभग 2.5 हेक्टेयर जगह को सुंदर पार्क के रूप में विकसित किया गया है।
चूंकि शहर में बहुत सारे पार्क नहीं हैं, इसीलिए लोगों को घूमने के लिए यह एकमात्र डेस्टिनेशन लगता है। पार्क 6 अलग-अलग हिस्सों में विभाजित है। यहाँ कई सारे खूबसूरत मूर्तियाँ लगाई गई हैं, खूबसूरत फूलों के पौधे लगाए गए हैं, कई तरह के झूले हैं और स्ट्रीट वेंडर्स आपको लोकल फूड बेचते हुए यहाँ मिल जाएंगे। खंडौली में भी शाम के बाद रुकना ज़्यादा मुनासिब नहीं होता है, तो आप सुबह सुबह बच्चों के साथ, पूरी फैमिली के साथ यहाँ पिकनिक मनाने जा सकते हैं। हालांकि दिसंबर से जनवरी के महीने तक यहाँ भीड़ कुछ ज़्यादा ही होती है, पर हम भी तो इसी भीड़ का हिस्सा हैं, तो आप अपनी छुट्टियां मनाने यहाँ जा सकते हैं। ये तो रही वो बातें जो हर कोई जानता है। अब हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जो गिरिडीह के होकर भी शायद आप नहीं जानते होंगे। सबसे पहले हम आपको लेकर चलेंगे स्टीवेंसन मेमोरियल चर्च की तरफ। यह चर्च गिरिडीह के पचम्बा में बना हुआ है, जो सन 1871 में बनाया गया था। चर्च काफी पुराना है और यहाँ आप घूमने के लिए जा सकते हैं। एक पौराणिक चीज आपके शहर के बीचों बीच है और आपने उसे नहीं देखा, तो ये तो थोड़ी नाइंसाफी है। हमारी राय है कि अगर आप ये चर्च देखने जाना चाहते हैं तो क्रिसमस के अवसर पर जाएं, क्योंकि इस वक्त ये चर्च प्राचीन होने के बावजूद खूब सजा धजा दुल्हन सा दिखता है और यहाँ पर लोगों की काफ़ी भीड़ होती है। चर्च के आसपास खूबसूरत फूल पौधे भी लगे हुए हैं और काफ़ी सारे पेड़ हैं, इसलिए यहाँ आना अच्छा रहेगा। अगर आपके पास फुर्सत के 2-3 घंटे भी हैं तो आप ये ट्रिप विजिट कर सकते हैं बच्चों और फैमिली के साथ भी। ऐसे ही गिरिडीह शहर में छोटे समय अंतराल में घूमने की जगह चाहते हैं तो आप कबीर ज्ञान मंदिर भी जा सकते हैं। यह शहर के सीहोडी मोहल्ले में पड़ता है और शहर के जिला मुख्यालय से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ भी आपको एक शांत माहौल मिलेगा। मंदिर का पुस्तकालय भी है जहाँ आप बहुत सारी उपयोगी पुस्तकें पढ़ सकते हैं। अगर आपने थोड़ा ज़्यादा वकेशन प्लान कर रखा है तो आप झारखंडी धाम भी जा सकते हैं। यह धनवार में पड़ता है और गिरिडीह जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ उत्तरवाहिनी नदी भी है, नदी किनारे शिव जी का प्राचीन मंदिर है। शादियों के सीजन में यहाँ खूब सारी शादियाँ होती हैं। घूमने के लिए ये एक अच्छी जगह है। अगर आप पूजा पाठ के शौकीन हैं, आपकी धर्म विशेष में आस्था है, तो आप हरिहर धाम भी जा सकते हैं, जो गिरिडीह जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर पड़ता है और जीटी रोड से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ मंदिर 65 फुट ऊंचा शिवलिंग के आकार का है और यह विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है, तो इसे देखना आप कैसे मिस कर सकते हैं। आसपास काफ़ी सारे मैरिज हॉल, होटल्स, रेस्टोरेंट, काफ़ी कुछ है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर में पूजा अर्चना ही करें। पूजा अर्चना के बाद भी या बिना पूजा अर्चना किए भी आप यहाँ बाहर मज़े ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ साल के 12 महीने पिकनिक जैसा माहौल ही रहता है। गिरिडीह जिला मुख्यालय से 33 किलोमीटर दूर मिर्जागंज में एक सूर्य मंदिर है, जो लोटस टेम्पल के भी नाम से जाना जाता है। यह खूबसूरत मंदिर एक तालाब के बीच में है और कमल के आकार का है। मंदिर तक पहुंचने के लिए एक छोटा सा ब्रिज भी बना हुआ है, जिससे चलकर आप मंदिर में जा सकते हैं। मंदिर का आर्किटेक्ट इतना खूबसूरत है कि इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे राष्ट्रीय धरोहर भी घोषित किया है। तो ऐसी चीज़, ऐसी जगह को देखना आप कैसे मिस कर सकते हैं। यहाँ मंदिर से पूजा अर्चना करके जब आप बाहर निकलेंगे तो तालाब के किनारे एक कतार में बहुत सारे लोग मछलियाँ बेचते हुए दिख जाएंगे, जो कहते तो हैं कि इसी तालाब की ताजी मछली वो बेच रहे हैं, पर वास्तव में मछलियाँ यहाँ कई जगहों से आती हैं। खैर जो भी हो, अगर आप नॉनवेज पसंद करते हैं तो यहाँ मछलियों की काफ़ी सारी वैरायटी आपको मिल जाएगी, जिसे आप खरीद सकते हैं। अगर आपने पूरी फैमिली के साथ पूरे दिन का वेकेशन प्लान करना है तो फिर एक बड़ी सी गाड़ी बुक कीजिए और गिरिडीह से 64 किलोमीटर दूर तोपचांची डैम की तरफ निकल चलिए। ये धनबाद के पास पड़ता है और ये
एक बांध है, डैम है, जो सन 1915 ईस्वी में बनाया गया था। इसके आसपास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहां आप पूरा दिन बिता सकते हैं। बहुत सारे जानवर, पंछी आपको देखने को मिल जाएंगे। खूबसूरत पार्क बना हुआ है, जहां कई सारे फूल, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और खाने पीने के बहुत सारे स्टॉल्स और रेस्टोरेंट भी यहाँ पर हैं। आप पूरा दिन यहाँ बिता सकते हैं, आपकी छुट्टियाँ बहुत अच्छी बीतेगी। आपको सिर्फ इतना करना है कि अपनी छुट्टी का दिन तय करना है, क्योंकि पूरा महीना आपके पास पड़ा हुआ है। तो सोच क्या रहे हैं, जल्दी कीजिए, और आपने कहाँ विजिट किया वो हमें कमेंट करके बताइए।